जांजगीर चांपा में नैला रेलवे स्टेशन के पास बने कोल साइडिंग लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। अनाज रैक पॉइंट की जगह में कोयला भंडारण हो रहा है और इससे यहां अनाज लाने और ले जाने में परेशानी हो रही है। आसपास के खेत और तालाब इससे प्रदूषित हो रहे हैं। शहर के लोग इसे दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। धूल के कण आते हैं, कालापन है, पूरे घर में कालिख लगी हुई है, छतों में पेड़ पौधे खराब हो रहे हैं, स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आप सुबह जब नाक सिनकेंगे बच्चों का या अपना नाक साफ करेंगे तो पूरा काला हो जाता है। 2 से 2.5 घंटे में आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं, मतलब 2 से 2.5 घंटे में आपको जो धूल के अंदर कण जाते हैं उसे आपका 2-4-5 महीने में, 6 महीने में, साल भर में आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं। समस्या तो काफी आ सकती है। दुर्घटना की भी बहुत, बिल्कुल दुर्घटना की, बड़ी बड़ी ट्रेलर्स चलती हैं, शहर के अंदर से बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, बाईपास होना चाहिए, मुख्य हाईवे से चलना चाहिए। किसी का व्यापार बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका उपाय किया जा सकता है। जगदलपुर में शराबी शिक्षक को बच्चों ने सिखाया सबक, जहां शिक्षक पर चप्पल फेंकने का वीडियो वायरल हुआ है। शराब पीकर स्कूल आता था शिक्षक, परेशान होकर बच्चों ने टीचर पर चप्पलें फेंकना शुरू कर दिया। मामले पर शिक्षा विभाग ने चुप्पी साध रखी है। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और ये देखिए, शिक्षक जो की शराब के नशे में अक्सर स्कूल आता है, और जब ये पहुंचा तो जो स्टूडेंट्स छोटे बच्चे थे उन्होंने जूते चप्पल फेंकना शुरू कर दिया और शिक्षक को यहाँ से भगाते हुए नजर आए। शिक्षक खुद 9-2-11 होता हुआ नजर आया और ये पूरा मामला अब शिक्षा विभाग के संज्ञान में आया है, लेकिन फिर भी कोई इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं है। और चलिए अब देखेंगे बड़ी खबर, 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। धमतरी में सड़क हादसे का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद, तेज रफ्तार पिकअप वाहन बेकाबू होकर पलटा, पिकअप में सवार 3 लोग घायल हुए। मलाड बाजार में घर के सामने खड़ी कार को हुड़दंगियों ने जलाया।